पतंजलि योगपीठ हरिद्वार सरदेव गुरुवार परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे भारत के एक एक गांव को योग में बनाना और हर एक व्यक्ति को निरोग बनाने का जो क्रांतिकारी सपना, जो क्रांतिकारी अभियान पतंजलि योगपीठ के द्वारा चल रहा है, आप सभी भाई बहनों को इस विराट 5 दिवसीय योग शिविर के प्रथम दिन के कार्यक्रम में उपस्थित होने पर आप सबको मैं डॉक्टर ब्रिज मोहन योग प्रचारक पतंजलि योगपीठ हरिद्वार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के ग्रहणी प्रखंड के बलिगांव पंचायत स्थित लालगंज गांव के ऐतिहासिक इस प्रांगण में बैठ करके हम सब 5 दिनों तक योग अभ्यास करेंगे। 5 दिनों में योग प्राणायाम के अलग अलग अभ्यासों के साथ हम निरोग बनने का सहज मार्ग को अपनाएंगे। तो आइए हम सब 3 बार लंबा गहरा सांसों के साथ ओम का उच्चारण करके प्राणायाम सत्र का शुभारंभ करेंगे। आंखें बंद, मन शांत। सावधानी रखना है
यह हवा यह प्राणवायु पेट में न जाए, यह प्राणवायु हमारे हृदय में और डायफ्राम में यह हवा जा रहा है। जब सांस भरेंगे तो आपका सीना धीरे धीरे फैलता हुआ, और जब सांस को बाहर करेंगे तो धीरे धीरे डायफ्राम सिकुड़ रहा होगा। धीरे धीरे सांसों को भरिए पूरी सहजता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, अनुष्ठान की तरह जब हम इस अभ्यास को करते हैं। बहुत धीरे धीरे करिए, 5 सेकंड। जब समझ में न आवे शुरू शुरू में तो जैसे घड़ी का सेकंड का जो स्विच टिक 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 या 1 2 3 4 5 6 इतना देर तक लेना है, और पुनः उतना ही देर तक धीरे धीरे सांस को बाहर करना है। शुरू शुरू में तो गिनती का सहारा ले लेते हैं, लेकिन बाद में ध्यानात्मक भाव में ध्यान को लंबा गहरा सांस भरिए, और आप महसूस करिए मैं जो सांस भर रहा हूँ ये वास्तव में अपने जीवन में जितना दिन तक मेरा उम्र हो गया, जितना दिन तक मैंने जिया, इतना लंबा लंबा सांस इतना देर तक नहीं दिया था। ऐसा अनुभव करिए, महसूस करिए। जब सांस भरते हैं तो सांस में प्राणों में ऑक्सीजन के साथ साथ वायुमंडल में स्थित अलग अलग प्रकार के हवाओं को गैसों को हम धारण करते हैं। जब प्रश्वास की क्रिया को करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर रह जाता है और बाकी सब हवा गैस धीरे धीरे बाहर निकल जाता है, यानी सब गैस को अंदर ले जाते हैं, ऑक्सीजन रुक जाता है और बाकी गैस बाहर निकल जाता है। जब लंबा लंबा सांस भरेंगे 5 मिनट तक तो हमारे फेफड़े में, हमारे हृदय में, हमारे शरीर में आंख बंद करके अभ्यास करिए, ध्यान को, मन को, विचारों को लयबद्ध तरीके से सांसों पर टिका दीजिए। सांस लेते समय भी ओम, सांस को छोड़ते समय भी ओम, मानसिक रूप से बोलना नहीं है, अजपा जप कहते हैं उसको, मन ही मन बोलते हैं। यानी सांस लेने और छोड़ने की क्रियाओं के साथ मेरा जीवन ओममय, बाहर भी ओम भीतर भी ओम। प्राण शक्ति को नमन करते हैं कि हे प्राण ऊर्जा, जब हम सभी माँ के कोख से बाहर आए, धरती पर बड़े थे तो हम सब रोते हैं, चिल्लाते हैं इसी प्राण को धारण करने के लिए। और पहला दिन जब सांस प्रश्वास की क्रिया प्रारंभ हो गई तो जब तक हम जिंदा रहते हैं, यानी जीवन पर्यंत, यह अभ्यास निरंतर निर्बाध रूप से चलते रहता है। और आज तक हम लोगों ने कभी सांस को, प्राण को याद तक नहीं किया, उसके प्रति हम कभी आभार प्रकट नहीं किए, उसको कभी हमने धन्यवाद ज्ञापन नहीं किया कि हे प्राण आपका मैं ऋणी हूँ, आप हमेशा हमें जीवित रखते हो, मेरा और आपका अस्तित्व तभी तक है जब तक हम सांस प्रश्वास की क्रियाओं के साथ जुड़े रहते हैं। जब नियमित रूप से 5 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो लाभ क्या होगा इसका? सबके भीतर एक विचार उत्पन्न होते रहता है, आखिर मैं अभ्यास करूंगा तो हमें मिलेगा क्या, इससे हमें क्या लाभ होगा,
तो अब मैं इसके लाभ की चर्चा करता हूँ। पहले तो मैंने विधि बताया कि 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को लेना, 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांसों को छोड़ना, ये करते रहिए अभ्यास करो, और लगातार 5 मिनट तक करना, शरीर शांत मन सहज, ध्यान सांसों पर टिका हुआ। जब सांस अंदर ले जाते हैं तो एक शिव संकल्प, यही परमात्मा दुनिया का ओज तेज सुख शांति समृद्धि सब मेरे भीतर प्रविष्ट हो रहा है। जब सांस को बाहर करते हैं तो ये परमात्मा मेरे भीतर के सारे अहंकार बाहर निकल रहे हैं, चाहे वह मन कर्म और वचन से ही जुड़ा होगा क्यों न अहंकार हो, चाहे वह अलग अलग इंद्रियों से जुड़ा होगा क्यों न अहंकार हो, चाहे वह रोग से जुड़े हुए शुगर हो, बीपी हो, कोलेस्ट्रॉल हो, माइग्रेन हो, कमर दर्द हो, घुटना दर्द हो, तमाम प्रकार की बीमारियों को सांसों के द्वारा बाहर करने का संकल्प। जब बार बार यह संकल्प चलेगा